माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये है जी, एक्चुअली मैं आपको साथ में बता दूं, संडे का व्लॉग है जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे अभी अपलोड कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त है। जैसा कि आपको पता है संडे वाला दिन जो होता है वो नाश्ता हमारा नहीं बल्कि सबका ही लेट हो रहा होता है, क्योंकि सब लेट उठते हैं तो फिर, और जब नाश्ता बनता है तो फिर चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं, टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं सबके। कोई किस तरह का अंडा मांग रहा होता है, कोई किस तरह का, कोई मक्खन मांग रहा होता है। तो भाई नाश्ता हमारा बहुत डिफरेंट होता है संडे का, क्योंकि हर बंदे की चॉइस के मुताबिक होता है। 50,000 किस्म के यहाँ पे हमारे ऑमलेट्स और अंडे बन रहे थे। कोई कहता है हाफ फ्राई करके दो, कोई कहता है फुल फ्राई कर दो, कोई क्या कह रहा होता है तो कोई क्या कह रहा होता है। इसके बाद हमारा नाश्ता हो गया था रेडी। और ये मक्खन जो आता है ये मेरे अब्बू के लिए आता है, क्योंकि मेरे अब्बू नाश्ते में अंडा नहीं खाते, उनको नहीं पसंद। ऑल दो वो टमाटर प्याज में अंडा डाल के अच्छे से खा लेंगे, लेकिन नाश्ते में वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये था जी मेरा नाश्ता। थोड़ा सा मेरा नाश्ता ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। ये रहा मेरा नाश्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया ये व्लॉग पुराना है, तो फिर इसलिए मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये था जी संडे का दिन, और संडे के दिन आपको पता है बारिश का एंड था। इतना कोई खूबसूरत मौसम था, आप देख सकते हैं धूप और बारिश साथ साथ। और कहते हैं इस टाइम पे दुआएं भी कबूल होती हैं, तो मैंने इस टाइम दुआ भी की थी सबके लिए, अपने लिए, और मैंने अपना व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इतना कोई खूबसूरत मौसम था, इतना हसीन दिन था। मैंने कहा यार व्लॉग तो बनता है। साथ ही मैंने रात के ना लोबिया हमने भिगो के रख लिए थे। हमने कहा चले सुबह इजीली हम थोड़े से 30 मिनट का प्रेशर दे के कुकर में सिर्फ नमक के साथ बना लेंगे, और जब खाने के लिए हमें चाहिए होंगे तो फिर हम मसाला वगैरह बना के उसको सेट कर लेंगे। बस कुकर में हमने थोड़ा सा ही 30 मिनट का प्रेशर दिया था, और रात के भिगोए हुए थे चूँकि, तो फिर ईजीली वो पक गए थे। उसके बाद जी मेरे अब्बू ने मांगा कहवा। कावा ही बोलते हैं यूजुअली, लेकिन चले जी सही प्रोनाउंस कर लेते हैं, कहवा बोल देते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं। हम बना रहे थे कहवा, और जो कि मेरी अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं। तो फिर ये है वो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर से मेरी अम्मी बनाती हैं, और ज़्यादातर लोग मेरी अम्मी को फरमाइश करते हैं कि आपके हाथ का कहवा हमने पीना है। तो ये है वो कहवा जो मेरी अम्मी मेरे अब्बू के लिए बना रही थी, क्योंकि मेरे अब्बू को इतना कोई पसंद है। मैं कहती हूँ सारा दिन उनको पिलाते रहो कहवा, कोई मसला नहीं है। नाश्ता करके दूसरे रूम में जाएंगे, वहाँ से आवाज़ आएगी भाई कहवा बना दो। तो ये जी मेरे अब्बू की फरमाइश पे बन रहा था, और संडे वाले दिन तो फिर बनता ही रहता है, उनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। और इलायचियाँ मेरी अम्मी थोड़ी सी ज़्यादा डाल देती हैं, कप में भी एक्स्ट्रा डालती हैं, क्योंकि इससे कावे का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। कहवा वगैरह सब कुछ करने के बाद जी आ गया था दोपहर के खाने का टाइम। दोपहर का नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना होता है। मैं स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, लेकिन चले कोई नहीं। प्याज हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना था, और साथ में हमने टमाटर और हरी मिर्च ऐड करनी थी। हम लोबिया में कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालते, क्योंकि हमें नहीं पसंद, बस सिर्फ जो हरी मिर्चियों की खुशबू होती है और उसका जो टेस्ट होता है, और सिर्फ नमक, इससे हम लोबिया बनाते हैं, और इतने कोई मज़े का बनता है। अगर आपने इस तरह का ट्राई नहीं किया तो मस्ट ट्राई करें। इतना सिंपल तरीके से ना बनता है, और बहुत मज़े का बनता है। घी आपने बहुत सारा दबा के डालना है। और यहाँ पे हमारा हो गया था जी मसाला रेडी। फिर हमने जो लोबिया उबाला हुआ था वो हमने ऐड कर दिया था, और इसको थोड़ा सा हम हिला हिला के ना 1-2 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे। और जी फिर इसके बाद आपको पता है कारोबारी लोग हैं हम लोग, तो मेरा बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगता है। यहाँ पे फिर मैं चल पड़ी थी कुछ चीज़ें लेने के लिए। मैं ना अपने व्लॉग्स में पेशावर की जो जगहें हैं उनको ज़्यादा ऐड करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या करती रहती है। इसका मकसद ये होता है कि जो लोग पेशावर से बाहर हैं, अक्सर मैं अपनी सर्च जारी रखती हूँ ना कि ऑडियंस को क्या देखना है। तो फिर जब आपको पेशावर के जो सीन्स है, जो मनाजिर हैं वो दिखते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा खुशी होती है जो पेशावर से बाहर हैं। तो फिर मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने व्लॉग्स के क्लिप्स ऐड करती हूँ। अब जो पेशावर में उनको ये चीज़ें बोरिंग लगेंगी, लेकिन जो पेशावर से बाहर हैं वो ज़्यादातर अपने शहर को देखने के लिए ना व्लॉग्स देखते हैं। तो फिर मेरे स्पेशल व्लॉग्स जो होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो पेशावर से बाहर हैं। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मेरे व्लॉग्स में आपको नेचर, पेशावर, जगहें ये क्यों ज़्यादा दिखाई देती हैं। मैंने सोचा था मैं ये बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आज मुझे याद आई कि हाँ मैंने ये शेयर करनी है। ये है जी वो दुपट्टा जो मुझे लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कलर हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं। और 1800-2000 रेट बोल रहे थे। अब बारगेन करके कितने का मिलता है वो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें ये मिला नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं, एक्चुअली ये हमारी कस्टमर का है और ये हमने उनको ऑर्डर पे रेडी करके देना था। तो फिर वो कलर जो उनको चाहिए था जिंक कलर में वो इसमें था नहीं। उन्होंने कहा था कि हमें डाई करके एग्जैक्ट कलर आप लोगों ने देना है, तो वो मुमकिन नहीं है। ये ज़ाहिर सी बात है अब जब रेडीमेड दुपट्टे आते हैं तो उसमें वो वाला सीन तो होता नहीं है। तो उनके लिए मैंने वीडियोस भी फिर रिकॉर्ड करके भेजी हैं कि भाई आपका वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे फिर मुझे ये थोड़े से न्यू ड्रेसेस लगे थे, तो मैंने कहा चले अपने यूट्यूब की जो ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं साथ साथ ना कपड़ों की भी वैरायटी उनको दिखाती हूँ कि भाई ये न्यू न्यू कपड़ा आया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग शाहीन बाज़ार में मोहम्मद मार्केट और मोहम्मद मार्केट के साथ ही बिल्कुल अटैच अनारकली है या फिर आप कह लें इंडियन मार्केट, उसमें आपको हर तरह के फैंसी कपड़े मिलेंगे और बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ का विज़िट ज़रूर किया करें। ये है मोहम्मद मार्केट। अब मैं यहाँ आई थी वो दुपट्टा ढूंढने, लेकिन वो दुपट्टा मुझे यहाँ नहीं मिला। यहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मिला था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी वो दुपट्टा। उस पहले वाले दुपट्टे के मुकाबले में मुझे इस दुपट्टे की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि लेसेस लगी हुई थी, आपको पता है, तो ये एक प्रॉपर लुक आ रही थी इसकी। लेकिन इसका वो डिज़ाइन नहीं था जो मुझे चाहिए और ना वो कलर्स थे, तो बस फिर इस दुपट्टे को हमने स्किप कर दिया था। मैंने अपने कस्टमर को कहा जी आपका दुपट्टा हमें मिल नहीं रहा, अब आप अपने लिए कुछ और कर ले। एक्चुअली उन्होंने, पता है मसला क्या किया हुआ था, उन्होंने दुपट्टा लेने से पहले ही अपनी शादी के लिए शर्ट पे काम करवा दिया था। पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी सारी मैचिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपने कलर्स के अकॉर्डिंगली दुपट्टे लें या फिर काम करें ना। तो फिर अब उनका मसला बना हुआ है, अब पता नहीं वो क्या करते हैं। ये एक पिंक कलर आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मेरे माइंड में अब मेरा एक ड्रेस आ रहा है ना, तो अब मैं अपना ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी और मुझे उसके लिए ना एग्जैक्ट यही पिंक वाला कलर चाहिए था। ये मुझे मिला तो मैंने कहा अब मैं इसको ना रिकॉर्ड करूंगी ताकि मुझे याद रहे कि हाँ जी मैंने इस शॉप पे देखा हुआ था और मुझे यहाँ से जाके उस कपड़े को लेना है। यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा और चाहिए था ऑर्गेन्जा, जो कि मुझे पिछली शॉप्स में मिल नहीं रहा था, तो मैं इधर आ गई थी। यहाँ मेरी नज़र पड़ी इन सीक्वेंस वाले कपड़ों पर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और इसके तो कलर्स ही आप देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट और कितने मज़े के कलर्स हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को बाकी के व्लॉग्स में जो भी बाज़ार से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको सारा सब कुछ गाइड कर दिया करूँगी। ये है जी मूनलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप अगर बाज़ार में देखेंगे, इधर शहर के साइड देखेंगे, सदर साइड देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, हर जगह पड़ा हुआ है, हर किसी ने पहना हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्यों नहीं अच्छा लगता। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, ये भी मूनलाइट था लेकिन ये डबल शेड में था और ये मैंने किसी का पहना हुआ देखा हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अपनी बात आई तो फिर मैं ख़ुद अपने लिए कभी ये वाले नहीं लूँगी क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों अपने लिए ये अच्छे नहीं लगते। ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे थे और सीक्वेंस तो आजकल मुझे वैसे ही ज़रा ज़्यादा सा अच्छा लग रहा है, तो ये उस हिसाब से इसके कलर भी डिफरेंट थे। उसके बाद हमने की जी थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी, थोड़ी हम लोगों ने शीट वगैरह ली। और जी ये शॉप है अशरफ रोड पे, पेशावर में रहने वालों को अशरफ रोड का ज़्यादा पता होगा, वहाँ पर सारी शीट्स और इस तरह के मैट्रेसेस वगैरह मिलते हैं। तो हमने बहुत लाइट कलर में ली थी क्योंकि ज़्यादा डार्क और ब्राउन्स और इस तरह के कलर्स और प्रिंट्स मुझे नहीं पसंद, तो हमने बहुत सिंपल से प्रिंट्स लिए थे शीट्स में जो होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इतने डार्क कलर्स हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, अंधेरा होता है। कुछ इस तरह का लिया जाए कि जिससे ना रोशनी हो। साथ में मैं बाज़ार से उठा के ले आई थी जी मंजिलें, मुझे नहीं पता उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश का डोनट्स होगा। तो बस उसके साथ मैंने पी शाम की चाय और साथ में फिर हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का चिप्स का एक सेशन लिया था। लेकिन ये जो कालू है ना, मैं कहती हूँ ये इंसान को कुछ नहीं खाने देता। मैं कहती हूँ ये आपके मुंह में से निकाल के खाएगा। ये वो बिल्ला है ना जो आपको भी बेच के खा सकता है। बिल्ला नहीं है, बिल्ली है, लेकिन हर चीज़ इसको चाहिए। और चिप्स और ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ ये ऐसे खाती है जैसे इसके लिए गोश्त और मुर्गी वगैरह हो। तो जी ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपकी सजेशंस और आपका सब्सक्राइब जो होता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।